मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैं उत्तर प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग से हूँ, आगरा मंडल का प्रभारी हूँ। आज जो आपने जो टीसी बुलाई थी, उसका क्या रीज़न है टीसी बुलाने का? जी, मेरा नाम आप सभी को पता है। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के सचिव आरिफ भाई भी हैं और हमारे साथ में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं और सभी नौजवान साथी अल्पसंख्यक टीम के जुड़े हुए लोग हैं। हमने आज हमारा मेन मकसद आगरा के अंदर बैठ कर टीसी करने का ये है कि गोरखपुर मैं जो डॉक्टर कफील खान हैं, उनकी रिहाई के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर और हमारे जो अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के जनाब शाहनवाज आलम साहब, उनके संरक्षक में, उनकी देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में 15 दिन से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए। सबसे पहले हमने चरण चलाया, उसमें ये था कि हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कराया। पूरे उत्तर प्रदेश में हज़ारों की तादाद में लोगों ने हस्ताक्षर करके उनको रिहा कराने की मांग की। उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से एक लोगों के बीच में हम लोग गए, लोगों ने 1 से 1.5 मिनट के वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहने का प्रयास किया कि डॉक्टर कफील साहब को रिहा करा जाए। उसके बाद हम लोगों ने ज़रूरतमंदों को खून देकर, खून रक्तदान कर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहने की कोशिश की कि डॉक्टर कफील खान को रिहा करा जाए। अब हम आज प्रेस के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर कफील खान को रिहा करा जाए। डॉक्टर कफील खान को रिहा क्यों करा जाए, ये भी एक सवाल है। तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ आपको कि डॉक्टर कफील खान जब से डॉक्टर बने हैं, उससे पहले से लगातार इस देश को सेवाएँ देते रहे हैं। निःशुल्क कैंप लगाकर बच्चों के लिए, स्वास्थ्य रिलेटेड लगातार इस देश के लिए सेवाएँ देते रहे हैं। गोरखपुर में जो मौत का, बच्चों की दर्दनाक, बहुत दुखद जो मृत्यु हुई थी, उसमें उनको जोड़कर जेल में डाला गया है, उसके सबूत भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार उनको रिहा करे और कोविड जैसी महामारी जो कि हिंदुस्तान में पैर पसारे पड़ी हुई है, लगातार कोविड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसमें उनका योगदान लिया जाए, इस देश के काम आ सके उनकी डिग्री, इस देश में उनका जज्बा काम आ सके और वो लोगों की मदद कर सकें। अगर वो रिहा नहीं किए करते गवर्नमेंट, तो फिर आप लोग जो पार्टी है वो क्या एक्शन लेंगे? देखिए, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, सत्य अहिंसा, हम तो बस ये समझ लीजिए आप हाथ जोड़ने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी के। हम हमेशा हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहते रहेंगे कि उन्हें रिहा करिए। अगर इसके बाद भी रिहा नहीं होते तो हम आंदोलन भी करेंगे, हम आंदोलन भी करना चाहते हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। जब कांग्रेस के लोग आज़ादी के लिए डंडे खा रहे थे तो आरएसएस के लोग अंडे खा रहे थे। पूरा देश, पूरा दुनिया जानती है कि जब हम लड़ रहे थे तो वो माफ़ीनामे जेल में बैठ के लिख रहे थे कि हमें माफ़ कर दो, और हम जो हिंदुस्तान में एक आज़ादी की मुहिम चल रही है, हम उनमें मिलकर लोगों के, उनके जो आज़ादी का जो आंदोलन है, उनको विफल करने की कोशिश करेंगे। मगर हम ये यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भारत नरेंद्र मोदी जी, जो भारत योगी आदित्यनाथ जी बनाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ़ भी लड़ेंगे। लोगों के हित की लड़ाई, लोगों की ज़रूरत की लड़ाई, लोगों के हक की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। यहाँ पर जो हस्ताक्षर अभियान वो कब तक चलेगा? हस्ताक्षर अभियान का फेज खत्म हो गया है, हम आज 4th चरण पे हैं। मीडिया के माध्यम से आज हम रूबरू हैं, इसके बाद हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, हर जिले में हमारे कांग्रेस के लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।